फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेयरकेस के बारे में। जो भी हमारे स्टेयरकेस के सेक्शन देख रहे हो आप, या प्लान में या फिर कहीं पर भी, इसका हम डिज़ाइन कैसे होता है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले गाइस। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्टेयर केस के बारे में। अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया सिविल डिज़ाइन करके, नीचे मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक भी आपको दी, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हो हमारे ग्रुप को, क्योंकि डेली अपडेट वहाँ पर मिलेगी आपके, जॉब के रिगार्डिंग हो या फिर स्टडी के रिगार्डिंग हो। तो ज्वाइन कर लाना फ्रेंड्स, जो भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन दी में लिंक दी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे हमारा डॉगलेग स्टेयरकेस का डिज़ाइन। ये तो एक्चुअली हमारे एक्सेल शीट है। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे अपना मेल आईडी देना है, या एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी गाइज। जनरली हमारा स्टेयरकेस जो होता है ना गाइज, यहाँ पर फ्लाइट, फिर लैंडिंग, फिर फ्लाइट, ओके, दो फ्लाइट और एक दो लैंडिंग रहती है हमारे पास, ओके। आप चाहे तो इसका सेक्शन देख सकते हो, यहाँ पर सेक्शन कटिंग कटआउट किया है इसको। अगर आप डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर हॉल का मेजरमेंट है 250, अवेलेबल वर्टिकल स्पेस बिटवीन फ्लोर 3 मीटर है, टोटल हाइट है हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर, यानी कि 3000 mm। उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्पैन ऑफ स्टेयर केस होता है 1.2 मीटर, यानी कि 1200 mm। उसके बाद जो होता है हमारा राइजर, जो कि 150 mm होता है, जनरली हम 150 mm, 160 mm, 164 mm या 165, इसके आसपास हम राइजर लेते हैं, इसको हम राइजर बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हाइट डिक है उसको हम राइजर बोलते हैं, और 250 हमारा थ्रेड है, यहाँ पर 150 राइजर और 250 थ्रेड है, ओके। थ्रेड से हमारे 250 mm, 0.25 मीटर। उसके बाद जो कॉन्क्रीट का ग्रेड यूज़ करना है हमें 20, ओके, M20 यूज़ करना है, 25,000 N/mm², वेट ऑफ कॉन्क्रीट है। उसके बाद सिग्मा CBC 7 N/mm², यम यानी कि 13.33, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर एक चीज़ स्टेयरकेस के बारे में आपको पता होनी चाहिए, डिज़ाइन के लिए इम्पोर्टेंट है वो। उसके बाद है हमारा जो भी नॉमिनल कवर होता है स्टेयरकेस के लिए, 25 mm कवर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हर एक कॉलम, स्लैब, फुटिंग के लिए आपको कवर चाहिए। तो ये बीच जो बॉटम के लिए आप कवर प्रोवाइड कर सकते हो, कवर ब्लॉक, इसको हम कवर बोलते हैं गाइस, वो होता है नॉमिनल 25 mm। इफेक्टिव कवर यानी कि आप बार से कट करोगे, यानी कि आप यहाँ बार से सेंटर लाइन और नीचे का डिस्टेंस ले गए तो आप 30 mm लेना है गाइस वो, ओके। उसके बाद ये हमारा मेन बॉटम स्लैब, वो आता है 10 mm, 5 bars, 100 mm सेंटर टू सेंटर। जो भी हमारा मेन स्टील है गाइस, मेन स्टील आपको 10 mm, 5 100 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना है। आप देखोगे यहाँ पर तो जो नीचे वाला आपको मेन स्टील दिख रहा है वो 10 mm, 5 100 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर एक देख सकते हो आप 10 mm, 5 100 mm सेंटर टू सेंटर, जो कि हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट है। यहाँ पर नीचे वाला जो बार है, मेन बार, आपको इस सेक्शन में ही, आपको अगर आप इस सेक्शन कट किया तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा वैसे सेक्शन। आप यहाँ इस साइड से देख रहे हो इसलिए आपको सेक्शन नहीं दिख रहा, ओके। ये वाला बार हमको 100 mm सेंटर टू सेंटर 10 mm 5 bar यूज़ करना है। उसके बाद एंकर बार 8 mm 5 bar, 2 numbers, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो एंकर बार 8 mm 5 bar, 2 numbers यूज करने हैं। उसके बाद है हमारा जो कि 8 mm 5 bar, 270 mm सेंटर टू सेंटर यूज करना है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेयर्स के लिए। यहाँ पर 8 mm 5 bar, 250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेयर्स यूज करने हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो लैंडिंग है वो 1.2 मीटर का ही है। उसके बाद उसका जो हाइट है 1.2 मीटर, नीचे 1.8 मीटर के लिए डिस्टेंस प्रोवाइड किया है। आप अगर देखना चाहोगे यहाँ पर 2050, यहाँ पर एक
यहाँ पर हम अप साइड लेंगे, ओके। उसके बाद ये डाउन साइड है हमारी, वो राइज और थ्रेड के बारे में डिस्कस किया हमने। इसका पूरा बार बाइंडिंग शेड्यूल आपको सीखना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि आने वाली वीडियोस उसी के ऊपर होगी। उसका पूरा बार बाइंडिंग शेड्यूल हम डिटेल में देखने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। ये पूरा हाइट हमारा 3 मीटर का है। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज़ अपना मेल आईडी अपना कमेंट में लिख देना, आपको ये एक्सेल शीट मेल कर दूंगा मैं, ओके। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, जो कि बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में हमारे, आप देख के सकते हैं ये बार जो ऊपर से गया है नीचे, वो ऊपर से बॉटम में आ गया है, फिर ये नीचे वाला हमारा ऊपर साइड में आ गया है, देख सकते हो आप। अल्टरनेटिंग हुआ है, ऊपर वाला बाद में यहाँ से नीचे बेंड लिया है उन्होंने, फिर ये उसका बार हमारा ऊपर बेंड किया है, ओके। तो एज पर टेंशन साइड और कॉम्प्रेशन साइड के लिए वो दिया है गाइस। मिनिमम आपका जो एंगल होता है 20 to 40 डिग्री लेना पड़ता है गाइस, जो कि हमारा फ्लाइट का जो एंगल है, यहाँ से आपको 20 to 40 डिग्री होगा, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी। तो सेम चीज़ आप इस साइड में भी देख सकते हो, ये जो बार बेंडिंग शेड्यूल है हमारा, ये जो ऊपर से बार नीचे गया है यहाँ पर, ओके, और जो ये बॉटम वाला बार है ऊपर जाएंगे हमारा, ओके। तो एज अ सेक्शन आपको देना पड़ता है, ये वाला ऊपर किसी से कनेक्ट नहीं है, ओके। ये आपको ऑन साइट वीडियो चाहिए तो मिल जाएगा, आने वाले उसी के ऊपर काम चल रहा है, वो भी वीडियोस ऑन साइट आपको मिल जाएगी। उसके बार बेंडिंग शेड्यूल और कैसे आप उसको बार को लेते हैं और बाइंडिंग करते हैं, उसके ऊपर आने वाले वीडियोस में मिलेगा आपको। तब तक के लिए डिज़ाइन आप याद रखना गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये बार यहाँ से यहाँ तक है और ये बार नीचे बॉटम से यहाँ तक ही है, यहाँ तक एंड होता है, फिर ये यहाँ तक एंडिंग होता है गाइस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। आपको बस यहाँ पर चेंजेस करने हैं, यहाँ पर डायमेंशन और जो भी आपके जो डिटेल एक्सेल शीट में, यहाँ पर चेंजेस करके आपको सब डिज़ाइन ऑटोमेटिक मिल जाएगा गाइस। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज़ अपना मेल कमेंट में बॉक्स में मिल लिख दो गाइस, मैं आपको मेल कर दूंगा ये एक्सेल शीट, ओके। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। और हमारे जो मैंने नीचे लिंक दिए, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, आप जब स्टेयरकेस का डिज़ाइन करते हो तब आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। आपका जो बॉटम बार है, उसके बाद जो टॉप स्लैब का टॉप बार है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ही बार कंटिन्यू हुआ है, उसके बाद कंटिन्यू नहीं हुआ है। जो भी राइजेस है, यहाँ पर राइज है 150 mm का, उसके बाद थ्रेड है 250 mm का, उसके बाद हमारा लैंडिंग है, इसको आप लैंडिंग है, यहाँ पर थ्रेड है, यहाँ टी बोलते हैं उसको, यहाँ पर राइज है, ओके। ये जो स्टेप्स हैं हमारे वन बाय वन, इसका जो एंगल होना चाहिए वो 20 to 40 डिग्री के आसपास होना चाहिए, ओके। उसके बाद जो भी हमारे टर्म्स है, उसके जो मेन बार से यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए 10 mm 500 mm सेंटर टू सेंटर, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है 8 mm 270 mm सेंटर टू सेंटर। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ये पूरा सेक्शन हमारे 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, यहाँ पर 1.2 मीटर, उसके बाद 2.75, उसके बाद 1050। पूरा हाइट है हमारा 3 मीटर के आसपास, ओके। इसका जो लैंडिंग है वो है हमारा 1.2 मीटर, ये दोनों कॉलम में हमारा सपोर्टेड है, C1 और C2। अगर इसका बार बेंडिंग शेड्यूल देखा जाए तो इसके साइड वीडियोस भी हम जल्दी आने वाले हैं, यहाँ पर साइड की वीडियोस भी हम जल्दी डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैनल पे। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो एक बार प्लीज़ ज्वाइन कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्टेप कैलकुलेट करने हैं स्टेयर केस के, ये हमारे डॉगलेग स्टेयर केस है,
ओके, जिसका आप जनरली यूज़ करते हो डॉगलेस स्टेयरकेस। अगर इसके स्टेप्स कैलकुलेट करने हैं आपको, आपने राइज लिया है इसका 150 mm, ओके, उसके बाद थ्रेड है इसका 250 mm, जो कि जनरली होता है गाइस। अब अगर 150 mm जिसकी हाइट देखोगे तो पूरी हाइट है हमारे 3 मीटर, अब फ्लोर टू फ्लोर का हाइट है हमारे 3 मीटर के आसपास। ओके, अगर इसका स्टेप कैलकुलेट किया जाए तो इसको राइजर कैलकुलेट होगी, यहाँ पर नीचे हो गया हमारी 1.8 मीटर बाय, जो कि हमारा राइजर से वहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा 1.8 मीटर का 0.15 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट किया मैंने। ओके, तो ये आता है हमारा 12। ओके, 12 आता है हमारे, और उसके बाद हमारी जो अगली फ्लाइट है वो आप 1.2 मीटर, 1.2 मीटर बाय हमने राइज से डिवाइड किया तो वो आ जाएगा 1.2 बाय 0.15, वो आ जाएगा हमारा 8। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 1.1.8 बाय 0.15, वो आता है 12, और फिर उसके बाद 1.2 बाय 0.15, वो आता है 8, यानी कि टोटल 20 फ्लाइट है हमारे। ओके, 8 प्लस 12 प्लस 8, यानी कि 20 फ्लाइट से हमारे 20 स्टेप्स से हमारे यहाँ पर, जो कि जनरली हर एक स्टेयर केस में 80 टू 20 स्टेप्स होने चाहिए। हर एक बिल्डिंग में आपको यही दिखाई देगा कि 80 टू 20 स्टेप्स नॉर्मली दिखाई देगी आपको, जो कि हर एक इम्पोर्टेंट ही साइट के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, उसके बाद ये लैंडिंग है, इसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, यहाँ मैंने स्टेप्स कैलकुलेट किए गए, यहाँ पर देख सकते हो स्टेप्स पूरे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला कैलकुलेट नहीं किया, इसका एक, उसका एक ऊपर वाला, ये तो थ्रेड्स हुए हमारे, ये हमारे राइस से डिवाइड किया इसलिए आया हमारा। अगर आपने थ्रेड से डिवाइड किया होता तो ये क्या आ जाता। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 16 को 18 नंबर्स ऑफ स्टेप्स हैं हमारे, इसको नहीं लिया आप, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है आप साइट के लिए, और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए भी। आप सोचेंगे कि यहाँ पर 20 स्टेप्स लिखा है मगर यहाँ पर तो 15 स्टेप आ गए, मगर ये गलत है गाइस, ये पूरा हमारा नॉट टू स्केल का डिज़ाइन है। ओके, नॉट टू स्केल यानी कि अपना जो स्टेप्स है वो एक्चुअल में उन्होंने नहीं लिए, वो गिन के नहीं लिए। ओके, अगर आपने 1.8 में स्टेप देखे तो वो 12 आ गए, और 1.2 मीटर में देखे तो वो 8 आएंगे। ओके, मगर इसने एक बार बेंडिंग शेड्यूल दिखाने के लिए 16 को कट किया उन्होंने, एक्चुअल में वो मेजर करके स्टेप बाय स्टेप नहीं लिए। अगर आप किसी भी प्लान में देख कर देखे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे 20 स्टेप होने चाहिए गाइस। तो ये बेसिक है गाइस, हर एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को ये आना ही चाहिए, इसका जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है उसके क्वांटिटी निकलना भी आने चाहिए आपको, जो कि बेसिक है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को आप ज़रूर लाइक करोगे, तो प्लीज़ आप वीडियो अच्छा लगा आपको, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम इसके पूरे बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, और इसका जो भी स्टील का डिज़ाइन है और क्वांटिटी कैसे निकालते हो टर्न्स में, वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में, पूरा इसका बार बेंडिंग शेड्यूल और क्वांटिटी सर्वे, और उसके बाद स्टील का जो भी क्वांटिटी हो हम निकालेंगे आने वाले टाइम में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है आपको पता नहीं है, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर जाके ये आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो गाइस, जो कि बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में, और उसका ब्रोकरेज भी 0% है, 20, जो कि हमारे
हर एक ब्रोकर के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये ब्रोकर है हमारा अपस्टॉक। तो आप जो आपको ऑफर भी मिलेगी गाइस, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है उसकी तरफ से, और मेरा जो VIP चैनल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, उसको आप में आपको फ्री में ज्वाइनिंग मिलेगी गाइस। तो लेट मत करो गाइस, क्योंकि ये जो ऑफ स्टॉक का जो डीमेट अकाउंट है ये बस आपको 10 मिनट में मिल जाएगा गाइस। तो गाइस जितना हो सके उतना जल्दी आप मेरे लिंक्स के ऊपर जाके अपना अकाउंट ओपन करो गाइस। तो गाइस अगर आप डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हो, प्लानिंग में इंटरेस्टेड हो, या फिर एस्टिमेशन और क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग RCC वर्क, जो कि RCC हमारे हाई राइज बिल्डिंग होते हैं या फिर हमारे जो घर के प्लॉट होते हैं उसके बारे में आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें फ्रीली कॉल कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप को मुझे मैसेज कर सकते हो कोई डाउट हो तो, वहाँ पर मैं फ्रीली आपके डाउट क्लियर करूँगा गाइस। जो भी प्रॉब्लम हो, एस्टिमेशन में हो, प्लानिंग में हो, डिटेलिंग में हो, या फिर RCC ड्राइंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस करना गाइस, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस, थैंक यू। तो गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि वहाँ पर डेली अपडेट आती है गाइस, जो कि जॉब के रिगार्डिंग हो, आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के जॉब कॉल आते हैं वहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसके नोटिफिकेशन की ऐड आती है वहाँ पे, या फिर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना हो तो वो भी मिलेगा आपको, या फिर आपको कोई ई बुक्स चाहिए, या फिर ड्राइंग फाइल चाहिए, एस्टिमेशन शीट चाहिए, कोई क्वांटिटी और सर्वे कैसे करते हैं वो आपको पता नहीं है तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर और सपोर्ट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करने वाला है, और ऐसे ही सपोर्ट करना गाइस, थैंक यू। तो और एक बात गाइस, गाइस मैं फ्रीलांसर वर्क भी करता हूँ गाइस, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है। अगर आपको कोई डिज़ाइन चाहिए RCC के बारे में, डिज़ाइन चाहिए RCC डिज़ाइन चाहिए, ड्राइंग चाहिए, किसी घर का प्लानिंग चाहिए, 2D 3D प्लानिंग चाहिए, एस्टिमेट चाहिए किसका, या फिर आपको टेंडर या फिर लाइसेंस निकालना है PWD का एज अ कॉन्ट्रेक्टर कैसे वर्क करते हैं, आपको जानना चाहते हो तो आप मुझे कॉल्स कर सकते हो गाइस, जो कि मैं आपको बहुत ही कम रेट में आपको वो दूंगा आपको, ओके। तो गाइस ऐसे चैनल को सपोर्ट करना गाइस, और आने वाले टाइम में बहुत ही चैनल ग्रो होने वाला है गाइस, आप वो इमेजिन नहीं कर सकते, आपका सपोर्ट ही आप मेरे लिए अच्छा है गाइस, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। आई हमारी हाई राइज बिल्डिंग है गाइस, जो कि पार्किंग प्लस 15 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी। अगर इसका आपको RCC डिज़ाइन चाहिए फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू टेरेस लेवल, अगर आपको इसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल प्लान देखना है एज अ स्टडी पर्पज कैसे होता है, इसका कॉलम डिटेलिंग और बीम का शेड्यूल आपको जानना है तो आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर बनाऊंगा गाइस। तब तक के लिए इस वीडियो को 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। इसका जो वर्किंग ड्राइंग है, सबमिशन ड्राइंग है एज अ स्टडी पर्पज आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो को 100 लाइक्स आने चाहिए गाइस, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस, थैंक यू। गाइस आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो,
तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसकी एंजल ब्रोकिंग है, ऑफ स्टॉक और जीरोदा है, और हमारा नया आया वाला फायर से। इसके ऊपर खास ऑफर से गाइस, अगर आप मेरे लिंक के ऊपर जाके ये अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आपको मिलेगा गाइस हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो भी VIP ग्रुप है उसके ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी चांस मिलेगा गाइस, जो कि आप मिस नहीं करना चाहोगे गाइस। तो मेरे लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन करना और मुझे मैसेज करना गाइस, और मैं आपको हमारे जो भी VIP ग्रुप है उनके साथ ज्वाइन कर लूँगा गाइस, जो कि बेस्ट है आपके लिए।